Hello everyone, welcome to the DF English and today we will try to know how is elected the President of India. कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है इसके बारे में हम इस क्लास में चर्चा करेंगे. बहुत सारे लोगों को ये शिकायत रहता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में हम आम जनता क्यों नहीं वोट डाल सकते हैं, राष्ट्रपति जब हमारा चुना जाता है तो हम राष्ट्रपति का चुनाव क्यों नहीं कर सकते हैं. इसी का जवाब इस क्लास में मिलेगा. इसके साथ साथ हम भारत के राष्ट्रपति को पढ़ने के साथ साथ अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ भारत की कंपेयर करेंगे, उसके बाद समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर भारत में हम राष्ट्रपति के चुनाव में वोट क्यों नहीं डाल सकते हैं. तो अगर हम पहला क्वेश्चन उठाएं कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हम वोट क्यों नहीं डाल सकते हैं, तो इसके मुख्यतः तीन कारण हैं. राष्ट्रपति के चुनाव में हम वोट नहीं डाल सकते इसके मुख्यतः तीन कारण है. पहला जो कारण है वो कारण है खर्च. यदि राष्ट्रपति का चुनाव आम चुनाव की तरह कराया जाए जिसमें भारत का प्रत्येक नागरिक वोट डाले, तो हर जगह बूथ लगाना पड़ेगा जहां लोग जाकर के वोट डाल सकें, जिससे बहुत अधिक मात्रा में खर्च आता है और ये भारत देखिए वोटिंग कराने में बहुत अधिक खर्च होते हैं. इसीलिए भारत सरकार ने निर्णय लिया था, जब संविधान सभा बनाया जा रहा था, संविधान बनाया जा रहा था, तो संविधान सभाओं ने कहा कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव डायरेक्ट न होकर के इनडायरेक्ट होगा, अर्थात उसमें जनता वोट न दे करके जनता के द्वारा चुने गए जो कुछ चुनिंदा नेता होंगे वो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालेंगे. यहाँ पर क्यों ऐसा कहा गया? पहला कारण, यहाँ खर्च बहुत है. यदि राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाए साधारण तरीके से तो बहुत अधिक खर्च होगा. यहाँ पे सवाल ये उठता है कि यदि खर्च होता है तो प्रधानमंत्री के चुनाव में भी खर्च होता है, तो प्रधानमंत्री के चुनाव में हम क्यों नहीं देखते कि यहाँ खर्च हो रहा है, इनका भी चुनाव हम ना दें. तो ये इसलिए कराया गया क्योंकि जब हमारा देश आजाद हुआ था उसके बाद संविधान सभा का गठन हुआ, तो उस समय भारत में अशिक्षा बहुत फैल गया था, शिक्षित बहुत कम लोग थे. तो वहां पर संविधान सभाओं ने यह सोचा यदि हम भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव भी इस तरीके से अर्थात इनडायरेक्ट तरीके से कराएंगे तो भारत की जनता को कहीं ना कहीं लगेगा कि ऊपर ही ऊपर जो लोग रहते हैं वही लोग राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन जाते हैं, अर्थात उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि आज भी हमारा अस्तित्व नहीं है, आज भी हमें पूरा हक नहीं मिला है. इसलिए भारतीय संसदों भारतीय जो संविधान सभा के अध्यक्ष दो मेंबर थे उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि हमने भारत की जनता को ऐसा लगे कि हमारा भी हक है, हम जिसको चुनना चाहेंगे वही भारत का प्रधानमंत्री बनेगा. इसलिए प्रधानमंत्री के लिए ऐसा व्यवस्था किया गया कि हर आदमी वोट डाले और राष्ट्रपति के लिए इनडायरेक्ट व्यवस्था किया गया. इसी के साथ साथ जो दूसरा इससे मुख्य कारण था राष्ट्रपति का चुनाव इनडायरेक्ट कराने का, उसका कारण था इंटरनेट. यहाँ पे इंटरनेट अर्थात जब संविधान बना था उस समय इंटरनेट की व्यवस्था नहीं थी. अब इंटरनेट कहें या सोशल मीडिया कहें, इसकी व्यवस्था न होने के कारण उस समय भारत की लगभग जितनी आम जनता थी वो केवल 5 से 4 मुख्य लोगों को जानती थी, 5 से 6 मुख्य नेताओं को जानती थी. उसमें पहले मान लीजिए गांधी जी, दूसरे थे नेहरू जी, अंबेडकर जी, अब ये जो थे, और सरदार वल्लभ भाई पटेल थे. अब ये 3, 4, 5 जितने मेंबर थे इनको लगभग पूरी भारत की जनसंख्या जानती थी. आम नागरिक से लेकर के उस समय जो थोड़े उच्च पद पर थे सब उनको जानते थे. अब चूंकि अंबेडकर जी की भी मृत्यु पहले हो जाती है, पटेल साहब की मृत्यु 50 में हो जाती है, अब नेहरू जी को लगभग सब जानते हैं, तो नेहरू जी तो बन जाते हैं प्रधानमंत्री. अब राष्ट्रपति कौन बने? उस समय जो राष्ट्रपति बने थे राजेंद्र प्रसाद थे. राजेंद्र प्रसाद उतने फेमस न थे उस समय, भारत की लगभग हर जनता उस समय राजेंद्र प्रसाद को नहीं जानती थी. अब सोचिए, कल्पना कीजिए, यदि राजेंद्र प्रसाद उठते और भारत की आम जनसंख्या उनको वोट देती तो आम जनसंख्या कैसे जानती कि हमें इन्हीं को वोट देना है, या इनके विपक्ष में जो खड़ा होते हैं उनको कैसे जानती? चूंकि उस समय इंटरनेट की व्यवस्था नहीं था, उतना प्रचार प्रसार के लिए अखबार की भी व्यवस्था नहीं थी, और जो था तो लगभग पढ़ते नहीं थे लोग, अधिकांश लोग नहीं पढ़ते थे, जिससे ये समझने में दिक्कत होता कि हमें वोट किसको डालना है. यदि आम जनता वोट डालते तो उन्हें समझने में दिक्कत होता कि हमें वोट किसे डालना है. इसलिए संविधान सभाओं ने डिसाइड किया कि राष्ट्रपति के चुनाव हम कुछ लोगों को ही
डिसाइड कराएंगे कि कुछ लोग ही राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालें। वो लोग कौन रहेंगे अभी हम आगे चर्चा करेंगे उनके बारे में कि राष्ट्रपति के चुनाव में वोट कौन कौन डाल सकता है। इसी के साथ साथ जो तीसरा सबसे अहम बात है वो उसे इंग्लिश में कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, जिसे हिंदी में कहते हैं सबसे आगे निकलने की प्रक्रिया। यदि जो राष्ट्रपति का चुनाव है ये आम चुनाव की तरफ अर्थात डायरेक्ट रूप से कराई जाए, भारत की हर जनसंख्या, भारत की हर जनता राष्ट्रपति को वोट दे, या फिर कहें इसे हम एक एग्जांपल के तरीके से समझते हैं, जैसे प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, एग्जांपल के तौर पे समझिए किसी राज्य में एक राज्य मुख्यमंत्री का चुनाव होता है, उसमें लगभग टोटल एक लाख जनसंख्या रहती है। और आप कल्पना कीजिए कि 15 लोग राष्ट्र उस समय उस राज्य में उठे हैं, 15 लोग उठे हैं चुनाव के लिए और जनसंख्या है राज्य की लगभग 1 लाख, राज्य छोटा है मान लीजिए। अब यहाँ पे मान लीजिए कि एक व्यक्ति को जो 15 में से एक है इसको मिल गया 15,000 वोट, इस एक व्यक्ति को मिल गया 15,000 वोट, बाकी जो 14 व्यक्ति थे इनके बीच ये जो बचा 85,000 वोट था ये इस तरीके से डिवाइड हो गया कि किसी को 15,000 तक वोट नहीं मिला या इससे ज्यादा वोट नहीं मिला। सभी 14 के 14 लोगों को वोट इस तरीके से मिला कि उनका वोट 13,000, 12,000, 11,000, 14,000 उतना ही रह गया, किसी को 15,000 तक वोट नहीं मिला। अर्थात अगर हम साधारण लैंग्वेज में कहें तो ए जीत गया, इसमें जो ए था सर्वाधिक वोट मिलने के कारण ए जीत गया। अब यहाँ पे अगर हम गौर करें तो भारत की टोटल जनसंख्या जिस राज्य में चुनाव हुआ है उस राज्य की टोटल जनसंख्या 1 लाख, उस 1 लाख में केवल 15,000 लोगों ने चाहा है कि ए जीते, ये जो पहला आदमी है इसको केवल और केवल 15,000 लोग ही चाहे हैं कि ये जीते, बाकी 85,000 लोगों ने ये चाहा है कि ए ना जीते। अब यहाँ पे देखिए मेजोरिटी ऑफ द पीपल, यहाँ पे जो बहुमत है लोगों की, ये चाह रहे हैं कि ये ना बने, ये ना जीते, परंतु हो क्या रहा है, यही जीत रहा है जो कि 15,000 वोट, अर्थात 15,000 व्यक्ति केवल इससे सहमत है। 85,000 व्यक्ति चाह रहे हैं कि ये ना जीते, अर्थात ये मुख्यमंत्री का चुनाव ना जीते, परंतु फिर भी देखिए इसके जितना वोट कोई न ला पाने के कारण ये विजयी माना गया। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे, अब खाली 15,000 व्यक्ति इसको चाह रहे हैं, बाकी 85,000 व्यक्ति इसको नहीं चाह रहे हैं कि ये जीते वोट को, ये जीते चुनाव को, तो इसलिए ये सिस्टम इतना गड़बड़ होने के कारण, अर्थात कहें तो मेजोरिटी जो है वो नहीं चाह रही कि ये बने। इस सिस्टम को देखते हुए यहाँ पर किया गया कि राष्ट्रपति का चुनाव इस तरीके से नहीं होगा, ये हम एक छोटा आंकड़ा लिए हैं, नहीं तो भारत की जनसंख्या तो 135 करोड़ से भी ज़्यादा हो चुकी है, तो वहाँ पर अगर हम कंपेयर करें तो कितना गड़बड़ी हो सकता है। इसीलिए भारत के संविधान सभाओं ने डिसाइड किया कि राष्ट्रपति का चुनाव हम किस तरीके से कराएंगे और राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन वोट डालेंगे, ये सब प्रावधान भारत के संविधान में किया गया। अब चलिए हम उस तरफ नजर डालते हैं कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन वोट डाल सकते हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन से वे व्यक्ति हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालते हैं। जैसा कि भारत के संविधान के आर्टिकल 54 में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 54 में कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जो वोट डालेंगे वो वोटर रहेंगे, सांसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा बेसिक जानकारी होना चाहिए कि क्या होता है लोकसभा, क्या होता है राज्यसभा, क्या होता है विधानसभा, क्या होता है विधान परिषद, इसके बारे में बेसिक जानकारी होनी चाहिए। अगर ये जानकारी है तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन से वे व्यक्ति हैं जो वोट डालते हैं। तो यहाँ पे पहला लिखे हैं सांसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। सांसद के दोनों सदन कौन है, अर्थात पहला लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। तो सांसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, यहाँ पे एक एक वर्ड आप याद रखिएगा, जैसे है निर्वाचित, निर्वाचित का मतलब जो जनता के द्वारा चुने गए हैं, अर्थात लोकसभा में जो व्यक्ति जनता के द्वारा चुने गए हैं वो व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डाल सकते हैं, जो व्यक्ति राज्यसभा में
कैसे चुने गए हैं, ये तो राज्यसभा में चुने जाते हैं विधानसभा के द्वारा, तो विधानसभा में जो चुने गए थे जनता के द्वारा जो चुने गए होंगे वही राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालेंगे। आइए हम बढ़िया तरीके से समझते हैं। तो जैसा लिखे हैं सांसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य सांसद के पहले दोनों सदन हो गए लोकसभा और राज्यसभा। तो यहाँ लोकसभा में जो टोटल सीट ऑफ वैकेंसी है वो है 550, अर्थात 550 लोग लोकसभा में रहते हैं, 550 सीटें हैं लोकसभा में, प्लस दो व्यक्ति ऐसे रहते हैं जिन्हें एंग्लो इंडियन कहा जाता है। एंग्लो इंडियन मतलब वे व्यक्ति जो भारत के नागरिक हैं परंतु उनके पूर्वज या उनके दादा या उनके पिता कोई भी यूरोपियन कंट्री का नागरिक हो, अर्थात कहें तो जिसके पूर्वज इंग्लैंड साइड के हों, यूरोपियन कंट्री के हो, और वो व्यक्ति आज भारत का नागरिक है, तो ये दो व्यक्ति भी लोकसभा में चुने जाते हैं परंतु इनके चुनाव नहीं होते हैं, इन दो व्यक्तियों को राष्ट्रपति चुनता है, इन्हें कहा जाता है एंग्लो इंडियन। अर्थात 550 सीट ये हो गई और दो सीट जो राष्ट्रपति चुनता है ये भारत के वही नागरिक होंगे जिनके पूर्वज यूरोपियन कंट्री में ताल्लुक रखते हो या वहां के नागरिक थे, इन्हें कहा जाता है एंग्लो इंडियन। अब इस 550 जो सीटें हैं इसमें से 530 सीटें स्टेट, अर्थात जितने भारत में राज्य हैं उन राज्यों में टोटल मिलाकर के 530 सीटें हैं, और 20 सीटें यूटी, यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी जिसे हिंदी में कहते हैं संघ शासित या केंद्र शासित प्रदेश, तो 20 सीटें केंद्र शासित प्रदेश में और 530 सीटें भारत के पूरे राज्य में, मिलाकर के 550 सीटें का प्रावधान किया गया है लोकसभा में। अब यहाँ पे देखिए जो 20 हैं यूटी से, इसमें से 13 वर्तमान में 13 लोग ही लोकसभा में हैं, 5 यहाँ पे 7 लोगों की सीटें खाली है, 520 लोग 20 सीटें केंद्र शासित प्रदेश से, वर्तमान में 13 लोग हैं अर्थात 5 सीटें लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश से खाली है, और यहाँ पे 530 लोग हैं। अब देखिए यहाँ पे जो गौर करने की बात है वो देखना है कि कहा गया है निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य मतलब कि ये तो राष्ट्रपति के द्वारा चुना गया है, ये वोट नहीं डालेगा राष्ट्रपति के चुनाव में। अब अगर हम इन दोनों को जोड़ लें तो होगा 543 लोग। अब 543 जो व्यक्ति हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा से वोट डालेंगे। अब जो 543 हो गए हैं ये लोकसभा से वो व्यक्ति हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालेंगे। यहाँ पे ये जो एंग्लो इंडियन है ये राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं डालेगा। क्यों नहीं डालेगा? चूंकि इसका चुनाव राष्ट्रपति ने किया है न कि जनता ने किया है। अब कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि क्या एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डाल सकता है, तो इसका जाहिर सी जो बेसिक आंसर है वो आंसर हाँ, एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डाल सकता है यद्यपि वो भारत की जनता के द्वारा चुना गया हो, अर्थात वो भारत की नागरिक है ही, वो भारत की जनता के द्वारा यदि चुना गया हो तब तो वो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डाल सकता है, परंतु यदि उसे राष्ट्रपति ने चुना है तो वो भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं डाल सकता। तो इसलिए जो और ये दो सीटें कंपल्सरी हैं जिन्हें राष्ट्रपति चुनेगा ही चुनेगा। अब इस प्रकार से 550 में से 530 स्टेट और 20 यूटी, अब ये 530 के 530 सीटें वर्तमान में है, इस 20 केंद्र शासित प्रदेश में से 13 ही सीटें केंद्र शासित प्रदेश से है, 7 सीटें खाली है। अब अगर इन दोनों को जोड़ लें तो 543 लोग लोकसभा में वो हैं जिनको जनता ने चुनकर लोकसभा में भेजा है, और यही व्यक्ति को हम कहते हैं सांसद के निर्वाचित सदस्य। अब यही व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालेंगे। और कौन डालेंगे? तो कहा गया है ना सांसद की दोनों सदन, एक सदन हो गया लोकसभा, दूसरा सदन है राज्यसभा। राज्यसभा में टोटल ऑफ वैकेंसी है 250, 250 सीटें हैं, और इस 250 सीटों में जो 238 सीटें हैं ये जनता के द्वारा हम कह सकते हैं चुने जाते हैं। जनता के द्वारा मतलब ये प्रत्येक राज्य के जो विधानसभा होते हैं वहां से आते हैं, और जो विधानसभा में जो आते हैं वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं, इसलिए जनता जिसे चुनती है पहले वो विधानसभा में आते हैं,
फिर वही विधानसभा में चुनाव होकर के फिर वो कहाँ जाते हैं, राज्यसभा में आ जाते हैं। तो अर्थात कहें कहीं ना कहीं इनका चुनाव जनता करती है। तो ऐसे लोगों की संख्या राज्यसभा में 238 है और ये 12 लोग और होते हैं जिनका राष्ट्रपति चुनाव करते हैं, अर्थात राष्ट्रपति इनको चुनते हैं। ये लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही शिक्षित समाज सेवा कला में एक्सपर्ट होते हैं, उनको राष्ट्रपति चुनते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो 238 है इसमें भी 5 सीटें खाली हैं, यहाँ 7 सीटें खाली थी, यहाँ पर 5 सीटें खाली हैं। तो 5 अगर इसमें हम माइनस कर दें तो हो जाएगा 233। अब यहाँ पे 233 लोग जो हैं राज्यसभा से ये तो देंगे नहीं, क्योंकि इनका चुनाव जनता ने नहीं किया है, इसलिए जो 233 लोग हैं ये भी राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालेंगे। अब अगर हम मिला लें इसको और इसको तो यहाँ पे जो टोटल मिलेंगे वो हो जाएंगे 3, 3, 6, 4, 3, 7, 5, 2, 7। अर्थात हम कहें तो राष्ट्रपति के चुनाव में सांसद के दोनों सदनों से 776 लोग वोट डालेंगे। कितने लोग डालेंगे? 776 लोग वोट डालेंगे। इसी के साथ साथ अब हम आगे अगर बढ़ें तो लिखा गया है प्रत्येक राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, यहां पर भी निर्वाचित वर्ड है, मनोनीत नहीं। मनोनीत उसे कहा जाता है जिसे जनता ने न चुना हो, जैसे इन 12 को मनोनीत कहा जाएगा, इस 2 को मनोनीत कहा जाएगा, परंतु जिनको जनता चुनती हो उनको हम निर्वाचित कहते हैं। तो प्रत्येक राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, जो प्रत्येक राज्य के विधानसभा हैं, जैसे उत्तर प्रदेश विधानसभा में टोटल जो वैकेंसी है वो 404 है, यूपी में कितने हैं? 404, जिसे कहते हैं 403+1। ये एक वो होता है जिनको उत्तर प्रदेश का राज्यपाल चुनता है और ये 403 वो विधायक होते हैं जिनको जनता चुनती है। अब यहाँ पे जो ये एक हुआ इसको कहेंगे मनोनीत सदस्य, और ये जो 403 हुआ इसको हम कहेंगे निर्वाचित सदस्य, तो जो कि लिखा गया है प्रत्येक राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो इस 404 लोगों में से उत्तर प्रदेश में से 403 लोग राष्ट्रपति के चुनाव में उत्तर प्रदेश से वोट डालेंगे और ये एक नहीं डालेंगे क्योंकि मनोनीत है। अब इसी प्रकार अगर टोटल जितने राज्य हैं और जो केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ पे एक बात और लिखा गया है, केंद्र शासित प्रदेश में केवल 2 दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, इनके आगे जो विधानसभा है उस विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य जो जनता के द्वारा चुने गए सदस्य हैं वही राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालेंगे। अब अगर हम प्रत्येक राज्य और ये 2 केंद्र शासित प्रदेश के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं सबको अगर हम काउंट कर लें तो उनकी टोटल संख्या हो जाती है 4120। जो उनकी टोटल संख्या होती है वो 4120, अर्थात ये जो 4120 प्रत्येक राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, इन सबको मिला करके जो टोटल व्यक्ति होते हैं जो निर्वाचित होते हैं, अर्थात कहें साधारण लैंग्वेज में तो जो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालेंगे वो हो जाएंगे 4120, ये इन दोनों जगह से, प्लस 776 लोग और हैं इनको भी अगर हम जोड़ लें तो 776। अब अगर हम टोटल कर दें तो हो जाएगा 4896। अर्थात राष्ट्रपति के चुनाव में जो वोटर हैं वो टोटल वोटर कितने हैं? 4896। 4896 व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालते हैं। ये उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया कि राष्ट्रपति के चुनाव में कितने लोग वोट डालते हैं। 4896 लोग राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालते हैं। यहां क्वेश्चन उठता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन वोट नहीं डालते हैं, इन लोगों में कौन वोट नहीं डालते हैं? आम जनता तो नहीं डालती, अलग बात है, लेकिन इन लोगों में कौन वोट नहीं डालते हैं? तो पहला हम कहेंगे कि सांसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, मनोनीत सदस्य मतलब ये 2 सदस्य और ये 12 सदस्य, ये राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं डालते। इसी के साथ साथ प्रत्येक राज्य के विधानसभा के मनोनीत सदस्य, निर्वाचित नहीं मनोनीत सदस्य, तो मनोनीत सदस्य जैसे उत्तर प्रदेश में 1 है
तो विधानसभा में उत्तर प्रदेश में मनोनीत सदस्य एक होता है जिसे राज्यपाल चुनता है, ये वोट नहीं डालेगा राष्ट्रपति के चुनाव में। इसी प्रकार जो विधान परिषद होते हैं, ये तो विधानसभा हो गया, जो विधान परिषद होते हैं, विधान परिषद के टोटल सदस्य, चाहे वो जनता के द्वारा चुने गए हों चाहे उसे राज्यपाल ने चुना हो, वो टोटल ऑफ पीपल वोट नहीं डालते। अर्थात विधानसभा के तो निर्वाचित सदस्य डालते हैं परंतु विधानसभा के मनोनीत सदस्य नहीं डालते। इसी के साथ साथ विधानसभा के साथ साथ एक विधान परिषद भी तो होता है, विधान परिषद के टोटल व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं डालते हैं, चाहे वो जनता के द्वारा चुने गए हों चाहे वो राज्यपाल के द्वारा चुने गए हों। इसी प्रकार दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, जो विधान परिषद है उसके सदस्य वोट नहीं डालेंगे। उसी के साथ साथ जो विधानसभा के मनोनीत सदस्य होंगे, अर्थात जिसे वहाँ की गवर्नर चूज की होगी, वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं डालेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन वोट डाल सकता है कौन वोट नहीं डाल सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक कि IAS IPS इन सब पेपरों में भी ये क्वेश्चन बार बार आते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन वोट डाल सकता है कौन वोट नहीं डाल सकता। यहाँ हमने सीखा कि टोटल जो पीपल है जो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालेंगे वो है 4,896। अब 4,896 व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालेंगे। अब वो वोट कैसे डालेंगे, वोटिंग कैसे होगा, काउंसलिंग किस तरीके से होगा, इसके बारे में अब हम चर्चा करते हैं कि जो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालते हैं उनका वोटिंग कैसे होता है, अर्थात राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग किस तरीके से होता है, इसके बारे में हम यहाँ पर अब चर्चा करते हैं। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है और वो गया राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने। अब ये एक व्यक्ति कौन होगा, जो 4,896 व्यक्ति हैं उन्हीं व्यक्तियों में से एक व्यक्ति ये होगा। अब ये जो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने जाएगा तो सेम उसी तरीके से जाएगा जिस तरीके से एक आम आदमी डालता है, अर्थात अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट रूप से गुप्त मतदान करता है, अर्थात उसके सिवा कोई नहीं जानता कि वो किसको राष्ट्रपति के चुनाव में वोट दिया है। यहाँ पे उसके सामने एक बैलेट पेपर आता है, वो बैलेट पेपर जो रहेगा उसके सामने वो इस तरीके से रहता है। अब ये उसके सामने एक वैलिड पेपर आएगा, उस वैलिड पेपर पे मान लीजिए चार व्यक्ति हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट लड़ रहे हैं। पहला है ए, नाम ABCD हम रख ले रहे हैं, दूसरा बी, तीसरा सी और चौथा डी। ये चार व्यक्ति हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट, जो राष्ट्रपति के चुनाव में उम्मीदवार है, अर्थात ये भी खड़े हुए हैं कि हम राष्ट्रपति बनेंगे, ये भी ये भी ये भी, चार लोग हैं। अब जो ए है, एक जो है ये व्यक्ति, ये गया है वोटिंग करने, वोट देने गया है कि हम इन चारों में किसको वोट दें। तो जनरली क्या होता है, हम चुनाव में लोग जिसको वोट देना रहता है उस पर ट्रिक या कुछ भी करके, जैसे जो भी व्यवस्था होता है वो करके चले आते केवल एक उम्मीदवार पे, परंतु राष्ट्रपति के चुनाव में उससे थोड़ा सा हटके होता है। यहाँ पर चार के चारों लोगों को ये वोट देगा, एक व्यक्ति को वोट नहीं देगा, कितने लोगों को देगा, ये चार के चारों, अर्थात ये ए को भी वोट देगा, बी को भी देगा, सी को भी देगा, डी को भी देगा। लेकिन किस तरीके से देगा, जैसे मान लो ये चार आया है कि इन चारों में से जो जीते वो जीते सी, तो सी को ये चार आए जीतने के लिए, इसलिए सी पर वो एक लिख देगा। क्या लिख देगा, ए। मतलब कि हम चाह रहे हैं कि सी ही जीते, परंतु यदि सी नहीं जीत पा रहा है, किसी कारणवश बहुमत नहीं हो पा रहा है, तो कौन जीते, तो जीते बी। अब बी को वो दो नंबर पे कर देगा, कौन जीते, बी जीते, और बी को वो दो नंबर पे कर देगा। फिर ये तीसरे प्रेफरेंस पे जाएगा कि अगर बी भी नहीं जीत पा रहा है तो मैं चाह रहा हूं कि जीत जाए डी, तो डी पे वो तीसरा प्रेफरेंस भर देगा कि अगर ये भी नहीं जीत पा रहा है तो कौन जीत जाए, डी। अगर इसे लग रहा है कि ये भी नहीं जीत पा रहा है तो मेरा चौथा प्रेफरेंस रहेगा कि ए हो जाए, अगर कोई नहीं हो रहा है तो चलो ए ही हो जाए। ये इस तरीके से अपने बैलेट पेपर में ये व्यक्तियों को इस तरीके से अंकित करेगा। यहाँ पे देखिए, जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें एक कोटा लाना पड़ता है, कोटा मतलब कितना वोट पास जाए इसमें से कौन व्यक्ति जो राष्ट्रपति के चुनाव में जीत जाएगा। तो इसके लिए एक कोटा है, कोटा मतलब एक सूत्र कह सकते हैं, जिसमें लिखा गया है टोटल वैलिड वोट अपॉन टोटल वैकेंसी प्लस वन इज इक्वल टू प्लस वन।
यहाँ पे दिया गया है जो टोटल वैलिड हो, जो टोटल वैलिड वोट, वैलिड वोट मतलब यहाँ पे जो देखिए वर्ड लिखा गया वैलिड, वैलिड मतलब जो वोट खराब नहीं हुए हों। जैसे कई लोग जाते हैं वो यहाँ पे दो लिख दिए, अब समझ में नहीं आ रहा है कि ये बी पे गया है कि सी पे गया है, इसलिए इस वैलिड वोट को खराब माना जाएगा, अर्थात इसे काउंट नहीं किया जाएगा। तो इसलिए टोटल वैलिड वोट स्पष्ट तरीके से अंकित किया गया हो कि किसको किस में कितना प्रेफरेंस दिया गया है। उसके बाद टोटल वैकेंसी, जो राष्ट्रपति के चुनाव में जाहिर सी बात टोटल वैकेंसी एक ही होता है, एक ही व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालता है, उसके साथ साथ प्लस एक और जोड़ करके टोटल करके प्लस एक कर देते हैं। अब मान लीजिए जो टोटल वैलिड वोट पड़े हैं, कल्पना करते हैं जो टोटल वैलिड वोट पड़े हैं उनकी संख्या टोटल है 100, अर्थात 100 टोटल वैलिड वोट पड़े हैं। मान लो 120 पड़े थे, 20 किसी कारणवश खराब हो गए, इतना आसानी से खराब नहीं होता, मान लो एक दो खराब हो गए और 100 के 100 जो है ये वैलिड वोट है। अपान जो टोटल वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी एक प्लस इसमें एक जोड़ करके टोटल करके प्लस एक जोड़ देते हैं, अर्थात अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो होगा 51, 1 प्लस 1 2, 2 को अगर 100 से काटेंगे 50 होगा, प्लस 1 कर देंगे 51, अर्थात इस 100 वोट में से जो 100 वैलिड वोट डाला गया है, जो इसमें से 51 वोट ला देगा वो क्या हो जाएगा, प्रेसिडेंट, वो राष्ट्रपति बन जाएगा। अब यहां पे देखिए इनकी गणना किस तरीके से होती है, काउंसलिंग कैसे होती है, गिनती कैसे होती है, तो यहां पे चलते हैं। जैसे दिया गया है जो ए है इसने अपना पहला प्रेसिडेंस डाला था सी को, अब इस पूरे वैलिड पेपर में जीता कौन, इस वैलिड पेपर में सी जीता है। इस तरीके से मान लो 100 वैकेंसी में से ऐसे ए को जितने लोगों ने पहले नंबर पे रखा है उनकी संख्या है 40, एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए, और जो बी है, बी को जितने लोगों ने चाहा कि ये पहले नंबर पर रहे उनकी संख्या है 30, और जो सी है इसको मान लो 20 लोगों ने चाहा है कि पहले नंबर पर रहे, और जो डी है इसको मान लो 10, टोटल हो गए 40, 30, 70, 90, 100। अब ये 100 लोग हो गए, 100 सीटें हो गई, 100 वैलिड वोट हो गए। अब 100 लोगों ने चाहा है कि इस तरीके से, अर्थात 40 लोगों ने चाहा है कि ए ही जीते, ए पे पहला नंबर रखे हैं, और 30 लोगों ने चाहा है कि बी जीते, बी पर पहला नंबर डाले हैं, और कई जो 20 लोग हैं इन्होंने सोचा है कि सी को पहला डालें, और जो 10 लोग हैं इन्होंने सोचा है कि डी जीते, डी पे पहला डालें। इस तरीके से 100 सीट जो थी इनमें डिवाइड हो गई, परंतु इसमें जीता कोई नहीं अभी। क्यों नहीं जीता, क्योंकि टोटल जो इनको लाना है वो लाना है 51, और इसमें 51 कोई नहीं पाया है, कोई 40 है, कोई 30 है, कोई 20 है, तो कोई 10 है, तो इसमें कोई नहीं जीता। अब यहाँ पे सेकंड काउंसलिंग होती है, सेकंड काउंसलिंग मतलब अब द्वितीय गणना होती है। याद रखिएगा भारत के संविधान में, भारत के इतिहास में केवल एक बार ऐसा हुआ है कि द्वितीय गणना करना पड़ा है, और उस द्वितीय गणना में वो उस समय की बात है जब भारत के राष्ट्रपति वीवी गिरी चुने गए थे, उन्हीं के समय द्वितीय काउंसलिंग हुई थी। द्वितीय काउंसलिंग कैसे होती है भी हम उस पर चर्चा करेंगे, नहीं तो आज तक जितने राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है सब पहले ही काउंसलिंग में अपनी मेजोरिटी पा जाते हैं और वो राष्ट्रपति बन जाते हैं। तो अब यहाँ हमें लग रहा है ये जीत रहा है, फिर उसके सेकंड पे बी है, थर्ड पे सी है, फोर्थ पे डी है, परंतु ये कभी कभी ये भी होता है कि बी जीत जाता है, ए हार जाता है। किस तरीके से होता है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे पहले में ये सिस्टम हुआ, कोई बहुमत नहीं पाया, कोई राष्ट्रपति नहीं बना। अब दूसरी काउंसलिंग होगी, दूसरी काउंसलिंग किस तरीके से होगी, जो लास्ट वाला व्यक्ति रहेगा इसको कह दिया, इनको हटा दिया जाएगा, अर्थात जो सबसे कम पाया रहेगा उसको हटा दिया जाएगा कि आप अब नेक्स्ट ईयर, अर्थात नेक्स्ट टाइम आप कोशिश करिएगा, अब इनको समाप्त कर दिया जाता है। और जो इनके 10 वोट हैं, इस 10 वोट को ए बी सी इन तीनों में डिवाइड कर दिया जाता है, इनके जो 10 वोट हैं वो ए बी सी में डिवाइड कर दिया जाता है। अब कैसे डिवाइड किया जाता है ये देखते हैं। जैसे जो 10 लोग थे जिन्होंने चाहा था कि डी एक हो, अब इनमें देखा जाएगा कि ये जो एक व्यक्ति आया जिसने चूज किया डी को ए, अब देखा जाएगा वो व्यक्ति किसको चूज किया है कि वो बी पर रहे, दूसरे नंबर पर कौन रहे इन तीनों में, तीसरे नंबर पर कौन रहे, चौथे नंबर पर कौन रहे। तो यहाँ पे मान लीजिए जो डी के 10 लोग थे इसमें से
जो बी पे दूसरे नंबर पर जो चुने वो चुने मान लीजिए बी को। अब दूसरे नंबर पे ऐसे लोगों की संख्या 7 है, 7 लोगों ने पहले नंबर पर डाला था ए को, दूसरे नंबर पर डाला था बी को। अब बचे 3 वोट, 3 वोट में मान लीजिए कि उन्होंने सी को डाला था 2 वोट और ए को डाला था 1। इस प्रकार टोटल 10 उसके जो सीट हैं ये इसमें बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पर हमें गौर करना है कि जैसे 10 लोग थे, एक लोगों ने डाला इसमें डी को, जो दूसरे नंबर पर उसी ने डाला, उसने डाला सी को, और जो तीसरे नंबर पर डाला उसने डाला बी को, और फिर इस तरीके से डी पे जो डाला चौथे नंबर पे वो ए को डाला है। यहाँ पे गौर करने की बात यह है कि ऐसे लोग जिन्होंने ए को दूसरे नंबर पर चुना था डी वाले में, उनकी संख्या 1 है, और ऐसे लोग ही उन्हीं लोगों में जिन्होंने दूसरे नंबर पर चुना, पहले नंबर पर जिनको चुने थे, जो दूसरे नंबर पर चुने थे उनकी संख्या 7 है, और ऐसे लोग जो सी को चुने, जो डी में ही थे परंतु उन्होंने सी को दूसरे नंबर पर चुना, वो थे 2। इस प्रकार अब इनकी सीटें इसमें जुड़ जाएंगी, अर्थात इसमें 1 हो जाएगा, इसमें 7 हो जाएगा और इसमें 2 हो जाएगा, अर्थात ये 41 हो गए, ये 37 हो गए और ये 22 हो गए। इस तरीके से द्वितीय काउंसलिंग में ये सिस्टम होता है। अभी भी कोई भी बहुमत नहीं पाया, 51 सीट नहीं पाया। अब यहाँ पर फिर से थर्ड राउंड की काउंसलिंग होगी। हालांकि अभी भारत के इतिहास में ऐसा थर्ड राउंड की काउंसलिंग हुआ नहीं है, परंतु कल्पना कीजिए यदि कोई मेजॉरिटी नहीं पा रहा है, कोई बहुमत नहीं पा रहा है, तो उसको थर्ड राउंड की काउंसलिंग की जाएगी। थर्ड राउंड की काउंसलिंग किस तरीके से किया जाएगा यहाँ पर देखते हैं। तो जैसे यहाँ पर लिखा गया है ए पा गया है टोटल 41, बी पाया है टोटल 37 और सी पाया है टोटल 20+2। अब यहाँ पर भी जो देखा जाएगा सबसे कम कौन अभी है, तो सबसे कम सी, तो सी को खत्म कर दिया जाएगा। और जो सी के वोट हैं 22, जो ये बी के 22 वोट हैं, 22 वोट मतलब 20 वोट इसमें वो लोग थे जिन्होंने डायरेक्ट ए को चुना था और 2 वोट डी के खत्म होने से आया था, जो दूसरे नंबर पर सी को चुना था। अब इसके 22 वोट भी ए और बी में डिवाइड हो जाएंगे। ए और बी में किस तरीके से डिवाइड होंगे कि 20 लोग ऐसे थे इसमें जिन्होंने ए सी को चाहा था कि वो बने, 20 लोग, 100 में 20 लोग ऐसे थे जिन्होंने चाहा था कि सी ही जीते। और फिर उसमें अब देखा जाएगा कि कितने लोगों ने चाहा है कि दूसरे नंबर पर कौन हो। जैसे दूसरे नंबर पे मान लीजिए इनको रख दिया गया है कि बी हो, ऐसे लोग जिन्होंने दूसरे नंबर पे बी को रखा है इनकी संख्या मान लीजिए है 15, जिन्होंने दूसरे नंबर पे किसको रखा है बी और पहले नंबर को सी को रखा था। और ऐसे लोग जो 20 वोट में ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना प्रेफरेंस डाला था ए बने, ये वो तीसरे नंबर पे ए को डाल दिए थे, तो तीसरे नंबर पे जो वो डाले मान लो इनकी संख्या 3 थी। और जो 2 लोग थे उन्होंने ऐसा डाला कि 2 लोग हों जो डी पे बने, क्योंकि उस समय डी तो समाप्त नहीं हुआ था जब वो लोग वोटिंग डाल रहे थे। तो इस तरीके से दूसरे नंबर पे इन्होंने रखा जिन्होंने पहले नंबर पे सी को रखा था, दूसरे नंबर पर किसको रखा बी को रखा और इनकी संख्या 15 थी, ए को रखा इनकी संख्या 3 थी और डी को रखा इनकी संख्या 2 थी। चूंकि अब डी भी तो नहीं है, तो इसलिए अब जो डी की वोट रहेंगे वो ए और बी में डिवाइड हो जाएंगे 50-50%, अर्थात एक वोट इसमें और एक वोट इसमें, एक वोट बी को एक वोट सी को। और जो ये 2 वोट है जो डी को मिला था सी पे, दूसरे नंबर पे किसको रखा गया था सी को रखा गया था, सी को 2 वोट मिला गया था। अब इसमें देखा जाएगा कि इसके जो 2 वोट हैं उन्होंने किसको डी पर रखा था, चौथे नंबर पे किसको रखा था, तो मान लो इन लोगों ने जो चौथे नंबर पर रखा था वो एक रखा था ए को और एक रखा था बी को। अब यहां पे 15, 16, 17 वोट जो हैं वो मिलेंगे बी को, और जो यहां पे हैं 1, 1, 2, 15, 1, 16
ये 16 वोट ये हो गए प्लस एक वोट ये 17 वोट मिल गए किसको, बी को यहां से। उसके बाद जो ए बचा, ए को मिल जाएंगे 3, 2, 5, 1, 6 अब यहां पे देखिए 17, 3, 20 यहां 5 वोट मिलेंगे, 5 वोट 17, 3, 20, 2, 22 17, 5, 22 अब 22 वोट इस तरीके से डिवाइड हो जाएंगे। अब बी में यही जो है ऐड हो जाएगा, जैसे इसमें 17 वो ऐड हो जाएगा और इसमें 5 तो 41, 5 हो जाएगा 46 और यहां पे 7, 7, 14 का 4 हासिल 1, 3, 1, 4, 1, 5 54 वोट पा गया कौन, बी, और 41 वोट पा गया ए। यहां पे लाना कितना था 51, बी कितना पा गया 54। अर्थात अगर हम साधारण लैंग्वेज में कहें तो यहां पे बी जीत गया, जीत रहा था स्टार्टिंग में ए परंतु लास्ट काउंसलिंग तक जीत गया बी। अब इस तरीके से बी जीता और बी भारत का राष्ट्रपति बन जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। ये थोड़ा टफ है समझना कि काउंसलिंग किस तरीके से होती है, परंतु अगर आप गौर से ध्यान से इसे समझेंगे तो बहुत ही आसान है कि राष्ट्रपति के चुनाव में काउंसलिंग किस तरीके से होती है। अब हम बढ़ते हैं कि अमेरिका में किस तरीके से राष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो चलिए उधर बढ़ते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। अमेरिका में भी उसी तरीके से राष्ट्रपति का चुनाव होता है जिस तरीके से भारत में, यद परंतु अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव में और भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में अंतर होता है। वो अंतर क्या होता है, जैसे भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में जो वोट देते हैं पहले उन्हें जनता चुनती है, अर्थात साधारण लैंग्वेज में कहें तो जनता के द्वारा चुने गए प्रत्याशी राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालते हैं। इसी तरीके से यूएसए में भी जनता के द्वारा चुने गए प्रत्याशी ही राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालते हैं, डायरेक्ट जनता राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं डालती। परंतु फर्क इतना है कि भारत में जो जनता चुनती है वो परमानेंट के लिए हो जाते हैं, 5 साल 4 साल जितने का उनका कार्यकाल हो, परंतु अमेरिका में जब राष्ट्रपति का समय आता है उस समय वो उम्मीदवार खड़े होते हैं और उनको जनता वोट देती है। जैसे भारत में प्रधानमंत्री के चुनाव में वोट देते हैं कि जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो हर जिला से सांसद खड़े होते हैं और जनता सांसद को वोट देती है और सांसद जाकर के प्रधानमंत्री को चुनाव करते हैं। इसी तरीके से अमेरिका में राष्ट्रपति का होता है कि वहाँ पे गठन किया जाता है किसका, कुछ मेंबर का, और फिर वो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालते हैं। अमेरिका में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो हर लीप ईयर में नवंबर माह में प्रथम सप्ताह के अंतर्गत किया जाता है। अमेरिका के संविधान के अनुच्छेद 2 में लिखा गया है कि अमेरिका में जो राष्ट्रपति का चुनाव होगा वो अमेरिका में जो लीप ईयर्स होगा, लीप ईयर मतलब वो साल जो 4 से विभाजित हो जाए, जैसे 2020 लीप ईयर है तो 2020 में नवंबर माह के प्रथम सप्ताह में अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव होगा। इसीलिए हाल ही में भारत में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी भी आए थे प्रचार प्रसार करने के साथ साथ स्टेडियम का उद्घाटन भी किए थे। तो अमेरिका में बहुत प्रचारों प्रसार के साथ राष्ट्रपति का चुनाव होता है, परंतु हाल में राष्ट्रपति के चुनाव में वहाँ समस्या ये है कि इतने समय पूरी दुनिया नोवेल कोरोना वायरस से ग्रस्त है, जिससे ये एक सोचने की बात हुई है कि वहाँ पर राष्ट्रपति का चुनाव इस समय किस तरीके से किया जाए। तो जनरली हम बात करते हैं कि जो अमेरिका के संविधान में लिखा गया है वो लिखा गया है कि नवंबर माह के लीप ईयर रहेगा और नवंबर माह के प्रथम सप्ताह में राष्ट्रपति का चुनाव होगा, और जो राष्ट्रपति के चुनाव में जीतेगा वो 20 जनवरी को, कितने तारीख को, 20 जनवरी को राष्ट्रपति का पद ग्रहण करेगा। तो यहां हम देखते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े कौन होते हैं और किस तरीके से होती है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में 2 मुख्य पार्टी है, एक का नाम है रिपब्लिकन पार्टी, दूसरे का नाम है डेमोक्रेट्स पार्टी। यही 2 पार्टी के मेंबर राष्ट्रपति के चुनाव में उठते हैं। यहाँ पे जो रिपब्लिकन पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी के ही जो मेंबर है उनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप जी, जो आज वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति है। और वहीं डेमोक्रेट्स जो पार्टी है, इस पार्टी के जो मेंबर हैं उनका नाम है एलिजाबेथ वारेन। अब यहाँ पे जो डेमोक्रेट्स पार्टी है इसमें कई मेंबर खड़े हो सकते हैं, फिर उसमें चुनाव होगा, अंततः रिपब्लिकन पार्टी से
एक मेंबर जाएगा, इसी तरीके से डेमोक्रेट्स है, इसमें भी कई मेंबर खड़े होंगे, फिर उसमें भी चुनाव हो करके आपस में ही चुनाव करा करके एक एक मेंबर खड़ा होता है, अर्थात कह सकते तो एलिजाबेथ वारेन, एक मेंबर रिपब्लिकन पार्टी से और एक मेंबर डेमोक्रेट पार्टी से। मान लीजिए रिपब्लिकन पार्टी से खड़े हुए डोनाल्ड ट्रंप जी, अब ये अपने प्रत्याशी खड़ा करेंगे अमेरिका के हर राज्य में, जैसे अमेरिका में 50 राज्य है, तो ये अपने हर प्रत्याशी को अमेरिका के हर स्टेट में खड़ा करेंगे। अब वहां पे क्या होगा, और इसी तरीके से डेमोक्रेट्स के भी व्यक्ति खड़े होंगे, अमेरिका डायरेक्ट ट्रंप जी नहीं खड़े होंगे, इनके द्वारा जो प्रत्याशी चुना गया होगा वो खड़ा होगा। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति रिपब्लिकन से हो गया और एक व्यक्ति डेमोक्रेट से हो गया, ये दोनों अमेरिका के एक राज्य कैलिफोर्निया है वहां पर खड़े हुए। यहां सोचने की बात है कि अमेरिका में केवल एक ही ऐसा राज्य है जिसमें सर्वाधिक सीट ऑफ वैकेंसी है, वो वैकेंसी 55 है जो कि कैलिफोर्निया में, और जो सबसे कम है वो अलास्का में, अलास्का भी अमेरिका का राज्य है, उसमें केवल 30 वैकेंसी 30 सीटें हैं। यहां पे देखिए जो अमेरिका में टोटल वैकेंसी है वो 538 है, और 538 वैकेंसी सीटों में से अमेरिका में जो राष्ट्रपति बनता है उसको कम से कम 270 सीट लाना पड़ता है, अर्थात 270 सीटों पर अगर वो जीत हासिल कर लेता है तो वो 20 जनवरी को राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर लेता है। तो यहाँ पे जो है कैलिफोर्निया, अब ये कैलिफोर्निया में लोग बहुत ही जोर देते हैं, जैसे भारत में राष्ट्रपति का चुनाव या प्रधानमंत्री का हो तो ज्यादा जोर उत्तर प्रदेश में दिया जाता है, चूंकि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सीट है, अर्थात कहें साधारण लैंग्वेज में तो कैलिफोर्निया अमेरिका का उत्तर प्रदेश है, वहां सर्वाधिक सीट 55 सीटें हैं। अब यहां पे देखिए कि दोनों लोग खड़े हुए, अब यहां कैलिफोर्निया में 55 सीट है, सोचिए एक को मिल गया 51% वोट और एक को मिल गया 49% वोट। अब यहां पे देखिए जिसको 51% वोट मिला ये जीता कि 49% जिसको वोट मिला वो कैलिफोर्निया से जीता, तो जाहिर सी बात है जिसको ज्यादा मिला वोट जीता 51%। अब ये जो जीता इसको केवल इसमें से 51% वोट नहीं मिला, इसको टोटल वोट मिल गया 55 का 55। अब 55 के 55 सीट इसको मिल गए, जो ये 49% अच्छा जो विपक्षी थे इनको नगण्य मान दिया जाता है, इनके भी जो जीते हुए वोट रहते हैं जो इनके पक्ष में वो भी जो जीत गया है उसके खाते में चले जाते हैं, अर्थात कैलिफोर्निया में जो जीता है वो 55 के 55 सीट के साथ जाएगा वाशिंगटन डीसी, वहां पर वोट डाला। अब 55 के 55 सीट हो गए इसके। इस प्रकार अलास्का में भी होता, जो जीतता है अंततः अगर कहें जो जीतता है उन दोनों में उसको टोटल सीट मिल जाती है, विपक्ष को अगर कहें तो विपक्ष को हमेशा जीरो मिलता है, जो जीतता है उसको पूर्णतः और जो हारता है उसको शून्य मान लिया जाता है। तो यहां पर भी तीन इस तरीके से अंततः जब ये जो 55 सीट जीते हैं मान लीजिए कैलिफोर्निया से, अब ये जब वाशिंगटन डीसी अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव में डालेंगे तो वहां कभी कभी क्या होता है, ये है तो रिपब्लिकन पार्टी से जीत भी गए हैं रिपब्लिकन पार्टी से, परंतु वाशिंगटन डीसी जाकर के वो डेमोक्रेट्स में वोट डाल देते हैं, कभी कभी ऐसा होता है जिसे कह सकते धांधलेबाजी। तो इस तरीके से जो व्यक्ति वहां पर 270 वोट पा गया वाशिंगटन डीसी में, वो व्यक्ति चाहे रिपब्लिकन पार्टी का हो चाहे डेमोक्रेट्स पार्टी का हो, वो 20 जनवरी को राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर लेता है। ये राष्ट्रपति के चुनाव में बेसिक जानकारी है जो आपको समझ में आया होगा, वहां पर भी अप्रत्यक्ष रूप से ही होता है और यहां पर भी होता है, परंतु वहां पे जो खड़े किए जाते हैं मेंबर वो कुछ समय के लिए खड़े किए जाते हैं, फिर राष्ट्रपति का चुनाव होता है, फिर जो हर राज्य में जो खड़े होते मेंबर इनकी पदवी समाप्त हो जाती है और राष्ट्रपति जो बनता है वो 20 जनवरी से अपना कार्यकाल स्टार्ट कर देता है। और यहाँ पे एक और बात है कि अमेरिका में जो राष्ट्रपति बनता है वो केवल और केवल दो बार बन सकता है, अमेरिका में हर 4 साल पे चुनाव होता है और भारत में हर 5 साल में चुनाव होता है। अमेरिका में केवल अधिकतम 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है और भारत में प्रावधान है कि कोई जब तक चाहे तब तक राष्ट्रपति रह सकता है, परंतु आज तक केवल एक ही ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं बाबू राजेंद्र प्रसाद, जो केवल 2 बार ही राष्ट्रपति बने हैं। उसके बाद ये परंपरा समझ लीजिए बनी है भारत में कि एक व्यक्ति एक ही बार राष्ट्रपति बने, चाहे अगर और उसको लोग जिता दें तो वो 2 बार 3 बार बन सकता है, परंतु राजेंद्र प्रसाद के बाद कुछ बात होती है
क्लास लंबा हो रहा है, उसके बाद ये परंपरा समझ लीजिए बन जाता है कि भारत में दो बार से ज्यादा भी लोग राष्ट्रपति बन सकते हैं, परंतु अमेरिका में एक दो बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकते। पहले ऐसा व्यवस्था था कि अमेरिका में भी लोग दो बार से ज्यादा राष्ट्रपति बन सकते थे, परंतु 1833 या 1933 से वहां पे एक व्यक्ति थे, नाम उनका हमारे ख्याल से हट रहा है, वो 1833 में भी जीते, 37 में भी जीते, 41 में भी जीते, 44 में भी जीते, 45 में भी जीते। इस प्रकार वो चार बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने, अर्थात कहें तो राजा शासन सिस्टम जैसा लगने लगा था वहां के लोगों को तो वहां पर। और उसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है, नहीं तो सोचिए आगे भी बने होते। 16 साल के आसपास लगभग वो अमेरिका में राष्ट्रपति बने रहते हैं। फिर वहां पे अमेरिका में प्रावधान होता है कि अब अमेरिका में दो बार से ज्यादा कोई भी राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। उम्मीद करते हैं आपको भारत के राष्ट्रपति और अमेरिका के राष्ट्रपति में अंतर और उनका चुनाव और इनका चुनाव किस तरीके से होता है ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना काफी है। इसी तरीके से और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे रोज आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। जय हिंद, जय भारत।